पति पत्नी को एक दूसरे के बुढ़ापे का सहारा कहा जाता है, परंतु आजकल हम कुछ ऐसी घटनाओं से रूबरू होते हैं कि ये सहारा बहुत पहले ही टूटता हुआ नजर आता है। आज एक ऐसी ही घटना के बारे में हम आपको बताने वाले हैं जहां पर शादी के एक साल बाद ही रिश्तों के बीच में इतनी ज्यादा खटास आनी शुरू हो जाती है कि एक पति अपनी ही पत्नी की जान लेने तक को आमादा हो जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष शर्मा, आप मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क और इस वक्त हम मौजूद है राजधानी दिल्ली के रघुवीर नगर क्षेत्र में। जैसा कि मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर इस मकान के मानसी अपनी माता के साथ रहा करती थी। आपको बता दें, ये उसका घर नहीं, ये उसका मायका है। वो पहले उसकी शादी एक व्यक्ति से कर दी गई थी जो कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला बताया जा रहा है, परंतु शादी के एक साल बाद ही उनके बीच में काफ़ी विवाद होने लगा, रिश्तों में काफ़ी ज़्यादा खटास आने लगी, जिसके चलते जनवरी के मध्य में मानसी यहाँ पर आकर अपने माँ के साथ अपने मायके में रहने लगी। हालांकि इसके बाद भी उसके पति ने उसे कई बार समझाने की और वापसी चलने के लिए उसे अपील की, उसे मनाने की कोशिश की, परंतु वह नहीं मानी। इसको लेकर विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि शुक्रवार को वो पति दोबारा से यहाँ पर अपनी पत्नी को मनाने के लिए आया, जिसका नाम मानसी बताया जा रहा है। 21 वर्ष की उसकी उम्र बताई जा रही है जो सूत्रों से पता चला है। तो जब वो उसे मनाने के लिए आया, उसके बाद भी मानसी ने उसके साथ वापसी अपने ससुराल जाने से साफ इनकार कर दिया, जिसके चलते उसका पति बहुत ज़्यादा आक्रोशित हो गया था, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था। और बता दें कि जब शाम को उसकी मानसी की माँ जब यहाँ से बाहर गई थी, घर से बाहर पास के ही बाजार में सब्जी लेने गई थी, तो उसने मौका पाकर एक के बाद एक कई बार सर्जिकल ब्लेड से मानसी के ऊपर हमला कर दिया। जो पुलिस अधिकारियों से पता चला है, उससे ये जानकारी मिली है कि उसकी गर्दन पर, पेट पर, चेहरे पर और पैर पर 50 बार से ज़्यादा सर्जिकल ब्लेड से हमला किया गया था, जिसके बाद वो बुरी तरीके से लहूलुहान होकर, अचेत होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। ऐसा होने की वजह से उसके पति को लगा कि मानसी की मृत्यु हो चुकी है और वो उसकी फ़ोटो खींचकर अपनी माँ को और अपने एक दोस्त को व्हाट्सएप करता है। निर्लज्जता आप देख सकते हैं उस व्यक्ति की, जो इतनी निर्दयता से अपनी पत्नी पर एक के बाद एक कई बार सर्जिकल ब्लेड से हमला करता है, उसकी जान लेने की कोशिश करता है, उसके बाद वहाँ पर खड़े होकर उसकी फ़ोटो भी खींचता है और अपनी माँ को और अपने दोस्त को सेंड करके यहाँ से फरार हो जाता है। उसको शुरुआत में ऐसा लगा होगा कि शायद मानसी की मृत्यु हो गई है, जिसके बाद वो यहाँ मौके से फरार हो गया था। हालांकि परिवार इस वक्त अस्पताल में है और बात करने की स्थिति में नहीं है। फिलहाल मानसी खतरे से बाहर बताई जा रही है। जैसा कि सूत्रों से पता चला है, तो ये जानकारी मिली है कि मानसी की दोस्त जब शाम को उससे मिलने उसके घर पर आई, तो उसने उसे पूरा लहूलुहान देखा और उसके पास के ही एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल मानसी का इलाज हरिनगर के दीनदयाल अस्पताल में कराया जा रहा है और उसे खतरे से बाहर बताया गया है। और आपको बता दें कि यहाँ पर पुलिस का भी एक अहम रोल सामने आया है, क्योंकि जब मानसी के शरीर से बहुत ज़्यादा रक्त का रिसाव हो चुका था, उसे खून की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तब कांस्टेबल सुधीर ने अपना खून देकर मानसी की जान बचाई। पुलिस का ये मानवीय चेहरा अक्सर मीडिया आप लोगों तक नहीं पहुंचाती है, खबर को तीखा बनाने के लिए, चटपटा बनाने के लिए पुलिस का ये मानवीय चेहरा अक्सर छुपा दिया जाता है, परंतु यहाँ पर दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल की बहुत अच्छी छवि सामने आ रही है कि जैसे ही उन्हें पता चला कि एक पीड़ित को, जिस पर उसके पति ने ही ब्लेड से इतनी बार हमला कर दिया, उसे खून की ज़रूरत है, तो सबसे पहले कांस्टेबल ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया और उनको खून देकर उनकी जान बचाई। हालांकि फिलहाल मानसी अभी खतरे से बाहर बताई जा रही है, परंतु इस प्रकार से जो राजधानी में घटनाएं बढ़ रही हैं, जैसा कि कल भी हमने आपको साकेत में दिखाया था कि किस प्रकार से एक आदमी ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी, गला घोट कर उसके बाद अपनी जान देने की कोशिश करी, कुछ ऐसा ही इसमें भी हुआ है। परंतु बस यहाँ पर फर्क इतना है कि पत्नी की मृत्यु नहीं हुई, बल्कि जो पति था वो यहाँ से जब फरार हुआ तो वो यहाँ से सीधा लोनी में स्थित अपनी बहन के घर चला गया। और जब पुलिस ने दबिश देने के लिए शनिवार को छापा मारा, तो पता चला कि वो वहीं पर छत से लटका हुआ पाया गया। पहले उसने अपनी पत्नी के ऊपर जानलेवा हमला करने की कोशिश की और हो सकता है कि उसके बाद पकड़े जाने के डर से उसने अपनी खुद की ही हत्या कर ली। बताया ये जा रहा है कि वो पंखे से किसी चुन्नी के सहारे लटका हुआ था और घर अंदर से बंद था। जब मौके पर पुलिस पहुंची तो उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा और उसको छत से लटका हुआ पाया और उसी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। ऐसे आपराधिक मामले अक्सर हम सुन रहे हैं कि दिल्ली में बढ़ते जा रहे हैं, जहां पति के द्वारा या यूं कहे पत्नी के द्वारा अपने ही पत्नी पर या पति पर जानलेवा हमला कर दिया जाता है। हालांकि गनीमत ये रही कि इस हमले में मानसी की जान नहीं गई और वो फिलहाल खतरे से बाहर है, परंतु उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। इस प्रकार से घटनाओं का बढ़ना कहीं ना कहीं हमारे समाज पर भी सवाल खड़ा करता है कि आखिर ऐसा क्या
हो रहा है, जो पति और पत्नी के बीच में जो मामूली विवाद होते हैं, मामूली झगड़े होते हैं, वो इतना विकराल रूप ले लेते हैं कि वो एक दूसरे की ही जान लेने पर आमादा हो जाए। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आपका क्या कहना है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल स्वराज मीडिया नेटवर्क को सब्सक्राइब करना ना भूलें।